दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई है और साथ ही आपको बता दें कि जैसे ही एलजीबी के सक्सेना ने अभिभाषण के शुरू होते ही विपक्ष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष के हंगामे पर आम आदमी पार्टी के विधायक और जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती से बातचीत की है हमारे संवाददाता देवेश कुमार ने। विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल का जैसे ही अभिभाषण शुरू होता है तो बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और रोकने की कोशिश भी की गई, हालांकि जो स्पीकर है उन्होंने सदन से उनको बाहर कर दिया। इस सब पर बातचीत के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ जी, किस तरह से आप देखते हैं सत्र की पहली शुरुआत होती है, अभिभाषण तक नहीं होने देते हैं, बीजेपी विधायक हंगामा शुरू कर देते हैं इस्तीफे की मांग को लेकर सीएम के? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो उनका रवैया रहा है सदन के प्रति, संविधान के प्रति, नियमों के प्रति, जनता की मैंडेट के प्रति। एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, 62 सदस्यों वाला मुख्यमंत्री, मुझे लग रहा है कि ये एक विक्षिप्त अवस्था में बीजेपी है, जबकि सदन के नियमों के अनुसार एलजी साहब के भाषण के दौरान कोई अगर इस पर इस तरह का बर्ताव करता है वो अवमानना के बराबर होता है। और वो एथिक्स कमेटी में माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज उसको रेफर कर दिया, क्योंकि ऐसी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एलजी का भाषण हो रहा है, आप उसको होने दें, बकायदा रूल्स के अंतर्गत ये आता है कि भाई इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसको डील किया जाए नियमों के अनुसार। तो भाजपा को संविधान के प्रति कोई आदर नहीं है, नियमों के प्रति कोई आदर नहीं है, कोई संस्था के प्रति उनके पास कोई आदर नहीं है। तो कोई प्री प्लान तरीके से वो आते हैं, जो उनके आकाओं ने कहा होता है वही काम करते हैं और नियमों के अनदेखा करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाहर भी हमने देखा जब एलजी निकल रहे थे तो उनके गाड़ी के पीछे पीछे भी जो बीजेपी विधायक है वो हाथ में बैनर और पोस्टर लेके घूम रहे थे। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एलजी के और इस्तीफे की मांग कर रहे थे, बर्खास्त की लगातार मांग कर रहे हैं? इस्तीफा तो जिसको देना चाहिए वो दे नहीं रहा, जो इस देश के सारे रिसोर्सेज को बेच दिया, अदानी के सबको हवाले सब कुछ कर दिया, अदानी के नाम पे चुप्पी है, मतलब सांसद कई सारे मार्च के ईडी की ऑफिस में उनके कंप्लेंट को नहीं उन्होंने नहीं लिया, किस प्रकार की दोस्ती है, किस प्रकार की याराना है ये? तो अडानी और मोदी साहब का जो याराना है उसके बारे में देश जानना चाहता है, इस्तीफा उनको देना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रही है बीजेपी सदन के अंदर लाने की, भाई 62 सदस्यों वाला पार्टी, 8 सदस्यों वाले लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? चलिए, तो आज बजट सत्र का पहला दिन था और सत्र के दौरान ही जो बीजेपी विधायक है उन्होंने जमकर हंगामा किया, एलजी से मांग की कि सीएम को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त करना चाहिए। साथ ही साथ सदन के बाहर भी बीजेपी जो विधायक है तमाम विधायकों ने धरना दिया और मांग वही की कि भ्रष्टाचार के आरोप में 2 मंत्री जेल में हैं तो ऐसे में सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको अलग तरीके से ले रही है। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।